हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल किचन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप के थ्रू कैसे अपने गैस सिलेंडर को बुक कर सकते हैं। कोई कंप्लेंट अगर रेज करनी है तो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बदलना है, मान लीजिए आपका एड्रेस चेंज हुआ और आपके नए घर के पास या नए एड्रेस के पास कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर आप उसका एड्रेस करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, अगर आप नए डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, या फिर आप अपनी प्लेस पे हैं लेकिन पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से परेशान हैं और किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जो भी ऐप्स हैं गैस बुकिंग की, आपको पता है सबके पेट्रोल पंप्स भी रन होते हैं, चाहे वो भारत गैस हो, चाहे HP हो, चाहे इंडेन हो। तो इनके जो पेट्रोल के रेट्स हैं, जो डीजल के रेट्स हैं, वो भी आप इसी ऐप से ट्रैक कर सकते हैं। नियरेस्ट जो पेट्रोल पंप है वो भी आप इसी ऐप से देख सकते हैं। तो बहुत से और ऐसे फीचर्स हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं जो आपको इन ऐप में मिलता है। तो इनमें से ही आज एक ऐप के बारे में मैं आपको पूरे फीचर्स को बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो उसमें आपको जो मेन फीचर होता है कि कैसे आप गैस की बुकिंग करें, क्योंकि अभी तक आप लाइन में लग के ये तो सिलेंडर लाते थे घर के लिए, या फिर कॉल के थ्रू बुक करते थे, या फिर मैसेज के थ्रू बुक करते थे। लेकिन ये सारे प्रोसेस करने से आपके पास उसी तरह का रिकॉर्ड नहीं होता था कि आपने इस दिन गैस को बुक करा है या फिर आपने इतना इतना पेमेंट करा है। लेकिन इस ऐप के थ्रू आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। यहाँ तक आप जो अभी तक जितनी भी गैस आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से ली है, चाहे वो आपने उसके पास जाके ली हो, कॉल करके ली हो, या फिर मैसेज के थ्रू बुक कराया हो, उसका भी डेटा मेंटेन होता है। इस ऐप के थ्रू आप वो सारा डेटा भी देख सकते हैं। तो इस ऐप में आपको कैसे गैस को बुक करना है ये भी मैं दिखाऊंगा, आपको पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी करना है या ऑनलाइन करना है ये भी ऑप्शन मैं आपको बता दूँ। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में, और इनमें से एक ऐप को कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको दिखा दूंगा, और बाकी जो अदर ऐप्स हैं उनके मैं स्नैपशॉट आपको दिखा दूंगा। क्योंकि जो तीनों ऐप्स हैं, भारत, HP और इंडेन, तीनों के फीचर्स एक ही हैं, एक ही प्रोसेस है, एक ही ऑप्शंस हैं तीनों की ऐप में। तो आप एक देख लेंगे तो आप अपने लिए तीनों ही ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोसेस सबका सेम है। आप वीडियो देख के आप कोई भी ऐप इस्तेमाल करें LPG गैस बुकिंग के लिए, आप इजीली उसको ऑपरेट कर लेंगे। तो मैं ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और स्टार्ट से लेकर एंड तक, मतलब रजिस्ट्रेशन से लेकर एक गैस बुकिंग के पेमेंट तक कैसे आपको प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसमें जो मैं ऐप आपको आज बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा पूरी ऐप के बारे में, वो इंडियन ऐप के बारे में बताऊंगा। उसके लिए आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे। ये ऐप आपको iOS, विंडोज और एंड्रॉयड पे मिल जाएगी। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इंडियन गैस ऐप बुकिंग, आप इस पर टिक कर देंगे। आपको यही सर्च करना हो या इंडियन ऑयल 1 करके सर्च करेंगे तो भी आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 मिलियन प्लस डाउनलोड है और 4.5 की रेटिंग है और उसके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है और कैसे आपको इसके फीचर्स को इस्तेमाल करना है, कैसे इसमें गैस की बुकिंग करनी है, ये चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊँ। अगर आप भारत गैस या फिर HP गैस का भी इस्तेमाल करते हैं तो सबके फीचर्स एक जैसे हैं, मैं सबके स्नैपशॉट दिखा दूंगा। तो ऐप इंस्टॉल हो गई है, ये ओपन का ऑप्शन है, यहीं पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये ऐप डायरेक्ट ओपन हो जाएगी आपके सामने, इस तरह से ये ऐप आपको दिखेगी। ओपन होने के बाद यहाँ आपको परमिशन देनी होती है, आप ये देख सकते हैं। तो ये परमिशंस आपको अलाउ करनी होगी, इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको GPS लोकेशन टर्न ऑन करनी होगी, आप यहाँ पे टर्न ऑन GPS पे क्लिक करेंगे, आपकी सेटिंग्स में लोकेशन सर्विस ऑन हो जाएगी, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से बैक कर लेंगे। बैक करते ही आपके सामने यहाँ पे इस तरह से ये डैशबोर्ड आपको दिखने लग जाएगा इंडियन ऑयल सर्विस का। अभी यहाँ पे देखिए आपने एनरोल नहीं करा है तो ये एक कार्ड आपको मिलता है जिसके ऊपर आपके रिवॉर्ड्स के पॉइंट शो होते हैं। तो यहाँ टॉप पे आप 3 बार्स का ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और हैं। लेकिन सबसे पहले आपको साइन अप करना है, अपनी अगर प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं या फिर बाद में भी लगा सकते हैं। तो चलिए पहले साइन अप करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए लॉग इन विद योर इंडियन ऑयल 1 अकाउंट। तो आपने जब सिलेंडर लिया होगा तो रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उस वक्त एक मोबाइल नंबर दिया होगा, वो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो दी है वो आपको डाल के यहाँ रजिस्टर करना होगा। अब इसका पासवर्ड आपको कहाँ से मिलेगा? लॉगिन आईडी या पासवर्ड नहीं है तो उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर के लिए नीचे ऑप्शन दिया है रजिस्टर का, आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से 4 ऑप्शंस आएंगे जो आपको फिल करने होंगे। सबसे पहले आप वही मोबाइल नंबर इस्तेमाल करिए जो आपने रजिस्ट्रेशन या फिर सिलेंडर लेते वक्त करा था। वैसे आप दूसरा मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन फिर आगे प्रॉब्लम होती है। उसके बाद एक ईमेल आईडी आप मेंशन करेंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे और लास्ट नेम लिखेंगे।
यहाँ पे चाहे तो आप वही डिटेल्स भी सब भर सकते हैं जिसके नाम से आपके घर में गैस का कनेक्शन है, या फिर किसी और की भी डिटेल्स भर सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेरा रिकमेंडेशन है आप वही चीज़ें भरिए जिसके नाम से घर में गैस का कनेक्शन है। तो यहाँ मैं डिटेल्स को भर के फिर आई एग्री पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ मैंने डिटेल्स को भर लिया है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ लिखना होगा, लास्ट नेम ये लास्ट वाले कॉलम में लिखना होगा, उसके बाद ये कंसर्न देंगे, टिक हो जाएगा, ये रजिस्टर का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही रजिस्टिंग यूज़र का मैसेज आएगा। देखिए ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे सेंड होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको ओटीपी डाल के इंटर करना होगा। देखिए ओटीपी आ गई है, वन टाइम पासवर्ड फोन नंबर की ओटीपी है, आपको इंटर करनी होगी। ओटीपी इंटर करने के बाद डन के बटन पे आप क्लिक कर देंगे, ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते। तो आप एक सिक्योर पासवर्ड बना लेंगे, नीचे पासवर्ड पॉलिसी बताई है कि स्पेशल कैरेक्टर्स, अपर लेटर, स्मॉल लेटर, सारी चीज़ें आपके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में जिस तरह से बनता है होनी चाहिए। तो यहाँ मैं पासवर्ड को बनाऊंगा, फिर पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, फिर से ओके पे क्लिक करेंगे। तो पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया है, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे मैंने मोबाइल को थोड़ा क्लोज कर दिया है, ये ओके का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। अब आप अपने प्रोफाइल में आ गए, यहाँ आपकी कंज्यूमर डिटेल्स दिखने लग गई हैं। तो मैंने सिक्योरिटी रीजंस को फोन नंबर उसको मैंने थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, नीचे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नो इट्स रॉन्ग इट्स करेक्ट। अगर आपको लगता है आपकी डिटेल सही है, और ये जो नंबर होता है ये आपकी गैस का कनेक्शन नंबर आता है, जब आप सही नंबर डाल के करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कंज्यूमर नंबर जो होगा, जिस नंबर से आपके घर में गैस आती है, रिलेशनशिप आईडी नंबर आता है, ये आपकी घर की जो गैस नंबर है उसी का ये नंबर है, चाहे आप उससे मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी जगह पे किसी और नेम से, किसी और मोबाइल नंबर से अगर आपने डिटेल को आप रजिस्टर करके भरेंगे तो ये डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी। इसी वजह से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सेम मोबाइल नंबर और सेम डिटेल्स को भरें जिस नाम से आपके घर में गैस कनेक्शन है और मोबाइल नंबर लगाए। अगर आपकी ये डिटेल सारी सही है तो यहाँ पर आप यस इट्स करेक्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये लिंकिंग हो जाएगी प्रोफाइल, और देखिए इस तरह से आ जाएगा, कंफर्म योर रिक्वेस्ट टू लिंक योर एलपीजी आईडी हैज बीन सबमिटेड। अब यहाँ पे आपको री लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है, तो नीचे देखिए री लॉगिन का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वापस से इंडियन ऑयल के लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। वैसे ये सारे ऑप्शन आप स्किप कर सकते थे, लेकिन स्किप करेंगे तो बाद में जब फ्यूचर में गैस बुक करेंगे या और किसी सर्विस का फायदा लेंगे तो आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी जिसमें दिक्कत आएगी। तो ये आपको पहले रजिस्टर करके रख लेना है। तो अब लॉगिन करने के लिए यहाँ फिर से क्लिक करेंगे, ये लॉगिन का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से रजिस्टर करा है वो डालेंगे, पासवर्ड जो बनाया है इंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। तो चलिए मैं अब लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ स्किप का ऑप्शन भी दिया है, लेकिन स्किप नहीं करना है, आपको डिटेल्स अपनी पूरी अपडेट करनी है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑथेंटिकेशन हो रहा है, थोड़ा सा आपको रुकना होगा। अब ये देखिए ऑटोमेटिकली जब आप अपनी प्रोफाइल से लॉगिन करेंगे दोबारा से, तो देखिए यहाँ आपका नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे एनरोल नाउ का एक ऑप्शन है, ये क्या ऑप्शन है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, और पहले देख लेते हैं थ्री बार्स में अब कोई और ऑप्शंस आए हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्लिक करते ही लॉगिन और साइन अप का ऑप्शन हट गया, आपका नेम यहाँ आ गया, एलपीजी कंप्लेंट हिस्ट्री, माय प्रोफाइल, ल्यूब्स, इनवाइट फ्रेंड, मोर और लॉगआउट का ऑप्शन मिल गया। ये सारे ऑप्शंस फैसिलिटी आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लॉगिन के बाद ही मिलेंगी। तो यहाँ अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर लगानी है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से आपकी जो पुरानी डिटेल्स या अभी जो आपने डिटेल रजिस्ट्रेशन में भरी हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। आप स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी, यहाँ तक कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिससे आपकी घर में गैस आती है उसकी रेटिंग्स यहाँ दिख जाएंगी, उसका मोबाइल नंबर दिख जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का कोड मिल जाता है। अब आपको अगर फ्यूचर में यूज़ है तो आप इस मोबाइल नंबर के थ्रू डायरेक्टली अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अपनी प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा आपको, क्योंकि अभी आपके मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ वेरीफाई के लिए आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए एक ओटीपी आपके मोबाइल पे फिर से सेंड कर दी जाती है। उस ओटीपी को आप जब दोबारा डाल के इंटर करेंगे तब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। देखिए ओटीपी आ गई है, अब इस ओटीपी को दोबारा इंटर करेंगे। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ डन पे क्लिक करेंगे तो वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए मोबाइल वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो गया मेरा। अब यहाँ पे एडिट करके आप नेम को भी चेंज कर सकते हैं, फोटो लगाने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, कैमरे से और गैलरी से। तो यहाँ पे मैं अभी आपको समझाने के लिए जल्दी से कैमरे से ही फोटो खींच लेते हैं। तो यहाँ पे आपको परमिशन देनी होगी कि आपका कैमरा अलाउ करेंगे, तभी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे अपने कैमरे को इस ऐप से डायरेक्टली। तो यहाँ ओके कर देंगे। अब ये मेरे सामने दीवार आ रही है, मैं इसी को फोटो ले लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाना है। तो ये फोटो फैच हो गई, थोड़ा सा आप रुकेंगे, यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे।
ओके पे क्लिक करते ही फोटो यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे फोटो अभी नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ एडिट का एक ऑप्शन है, मान लीजिए आपको अपने जो गैस घर पे आती है उसमें नेम चेंज कराना है, आपने आधार लगाया था या पैन लगाया था और अब आपने अपने आधार या पैन कार्ड पे नेम बदलवा लिया है और वो नया नेम आप चाहते हैं आपके गैस एजेंसी में भी अपडेट हो जाए, तो यहाँ आप एडिट करेंगे क्लिक पे। तो देखिए यहाँ चेंज नेम का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी होगी। पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मिडिल नेम है तो आपको मिडिल नेम में डालना होगा, यहाँ से आप हटा देंगे। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड में आप जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं, आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना होगा, तो यहाँ पे ये डाल दिया। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट एज आइडेंटिटी प्रूफ में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ऑप्शन आएगा, डायरेक्टली आप फोटो खींचना चाहते हैं या गैलरी से, तो गैलरी के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए वन फोटो करके लिख के आ जाता है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है उसका साइज जो है वो 512 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप पहले अपना डॉक्यूमेंट बना लेंगे 512 KB के अंदर और फिर उसको मोबाइल में रखेंगे जिससे यहाँ पे अपलोड कर सके, फिर आप सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए कंफर्म्ड हो गया, जो चेंज नेम सर्वे रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड। अब यहाँ गो टू होम पेज का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप वापस यहाँ से आ जाएंगे। अब आप यहाँ से जब बैक जाएंगे और फिर से अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका नंबर जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड आ रहा है, ईमेल आईडी आ रही है, नेम आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें अब आपकी ओके हो गई। तो यहाँ पे सारी प्रोफाइलिंग हो गई है, अब यहाँ से बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बैक आने के बाद फिर से यहाँ क्लिक करेंगे और सबसे पहला जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं एलपीजी का, आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे कुछ सर्विसेज को ट्रैक करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जैसे आपने बुकिंग हिस्ट्री देख सकते हैं, कंप्लेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, अगर आपका सिलेंडर खो गया है तो लॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, अगर कोई हेल्प चाहिए सिलेंडर से रिलेटेड, गैस से रिलेटेड मैकेनिक, तो वो भी आपको यहाँ मिलती है। डबल बॉटल सिलेंडर के बारे में सर्विस है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको चेंज करना है तो वो भी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं और रहते थे, आपने अपना घर शिफ्ट करा, अब आपके नियरेस्ट कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसको भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये व्यू स्टेटस पे रहता है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है, आपको यहाँ पहले रिक्वेस्ट रेज करनी होगी जहाँ पे आपको चेंज कराना है। तो यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे सिटी एड्रेस चेंज हो रहा है या फिर पोर्टेबिलिटी, मान लीजिए आपका एड्रेस नहीं चेंज हुआ लेकिन आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बदलना चाहते हैं, और ये लास्ट ऑप्शन है टीवी, योर प्रेजेंट एड्रेस इज चेंजिंग एंड द सिटी टाउन इज ऑल्सो चेंजिंग, तब आप ये लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो तीन ऑप्शंस है आपका जो एप्लीकेबल है, इसमें से आप सेलेक्ट करके अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक कर लेते हैं, ऊपर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये सारे आपके ट्रैक करने के हैं। अब आपको अगर रिक्वेस्ट करनी है तो यहाँ से रिक्वेस्ट करेंगे मैकेनिक के लिए, लॉस्ट के लिए, डीबीसी के लिए, डीबीसी होता है डबल बॉटल सिलेंडर। उसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट सीडिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, माय डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल जो होगी वो यहाँ पे आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ से बैक कर लेते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बदलना है तो आपको यहाँ क्लिक करके बदलना होगा, लेकिन ये ऑप्शन आपके ट्रैक सर्विस का है तो यहाँ से आप ट्रैक करते हैं। और आपको अगर अपना एड्रेस चेंज करना है और चाहते हैं वही डिस्ट्रीब्यूटर रहे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप अपना एड्रेस भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नीचे आपको पूरा अपना कंप्लीट नया एड्रेस फिल करना होगा और नए एड्रेस का एक डॉक्यूमेंट प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा। अब यहाँ से बैक करने के बाद यहाँ पे एक देख सकते हैं येलो कलर का एक बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डायरेक्टली अपने गैस के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, बुक कर सकते। तो अगर आप गैस की बुकिंग कॉल करके करते हैं या फिर लाइन में लग के जा के लाते हैं तो आप उसके लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, घर में बैठे बैठे ही गैस की बुकिंग कर सकते हैं। जो भी गैस सिलेंडर का प्राइस होगा करेंटली जो आपको पे करना है, चाहे ऑनलाइन पे करें, चाहे आपके घर पे गैस आए तब पे करें कैश ऑन डिलीवरी, वो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिख रहा है, इतना रुपए आपको पे करना होगा। तो अगर आपको ऑर्डर करना है तो यहाँ ऑर्डर नाउ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बैक करके एक ऑप्शन और दिखा दूँ, तो यहाँ से जब बैक कर लेंगे और आप इस स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ ऑर्डर सिलेंडर का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी देखिए ऑर्डर कर सकते हैं, यही स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से बैक कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल कर सकते हैं, अगर आप अपने पेट्रोल भराते हैं इंडियन ऑयल से तो भी यहाँ पे देखिए रिफ़िल लॉक्स के बारे में, जब जब आप भराएंगे तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे अपडेट होती रहती। ऐड व्हीकल नंबर आपको करना होगा, तो जब भी आप भराएंगे तो उसका भी लॉग यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, बस आपको अपने व्हीकल का नंबर, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, वो यहाँ पे ऐड व्हीकल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स को भरना होगा। उसके बाद यहाँ से बैक कर लेते हैं, अब यहाँ पे और ऑप्शंस जो है वो बता दे रहे हैं, जैसे ये पेट्रोल का ऑप्शन है यूजिंग करंट लोकेशन, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो प्राइस चल रहा है इंडियन ऑयल में, जो भी पेट्रोल डीजल जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इमेज बनी है, इसके ऊपर यहाँ पे प्राइस दिया हुआ है, ये पेट्रोल सिलेक्शन था इसलिए ये पेट्रोल का प्राइस है। सब्सिडी फिलिंग स्टेशन, जो नियरेस्ट फिलिंग स्टेशन आपकी लोकेशन से होगा, अगर आपने यहाँ पे लोकेशन को ऑन कर रखा है, मैं आपको दिखा दूँ, ये लोकेशन सर्विस अगर आपने ऑन कर रखी है
तो जो आपके नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा वो भी आपको दिख जाएगा। अगर आपको डीजल के बारे में जानना है तो भी पता चल जाएगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम देखना है तो वो भी पता चल जाएगा। आपको सिर्फ सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस को चेंज करना होगा, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे पता चल जाएगी। जो मेन फीचर है इसका कि नॉर्मली आदमी ऐप यूज़ करता है अपने गैस बुकिंग को रिफ़िल कराने के लिए, तो कैसे आपको रिफ़िल करानी है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो रिफ़िल करने के लिए जैसे मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और वरना आप यहाँ पे आके LPG पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन भी मिलता है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आपका जैसा भी मन हो कहीं से करिए, सबका प्रोसेस एक ही है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए, तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के चार्जेस आप देख रहे हैं, ये जो प्राइस है आपके सिलेंडर का जो घर पे आएगा उसमें एक रुपये एक्स्ट्रा नहीं लगेगा अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं जो 1 से 2 दिन में हो जाती है। लेकिन अगर आप प्रेफर्ड डिलीवरी कराते हैं, अपने हिसाब से टाइम चुनेंगे, अपने हिसाब से डे चुनेंगे, वीकेंड चुनेंगे यहाँ ड्रॉप डाउन में, तो फिर आपको उसके लिए पे करना होगा। तो देखिए कितना पे है ये भी यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रेफर्ड डिलीवरी पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डे आ जाता है, उसके बाद यहाँ स्लॉट आ जाता है, यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए 25 रुपये यहाँ पे आ गए हैं जो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इस रुपीज़ में। तो अब अगर यहाँ पे और कुछ चेंज करके देखते हैं कि पैसे क्या जो यहाँ पे 25 रुपये आए हैं ये चेंज होता रहता है, तो देखिए यहाँ पे 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे मतलब 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेंगे, आप चाहे जो सा दिन आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सारी डिटेल्स आपकी आ रही हैं, आपको कुछ नहीं करना। अब नॉर्मली ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर नाउ पे क्लिक करते ही देखिए ऑर्डर कन्फर्म हो गया है, ये आपका पेमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जब आपने ऑर्डर नाउ कर दिया तो आपका ऑर्डर हो गया। देखिए मैसेज भी आ गया कि आपने बुकिंग करी है, ये आपका बुकिंग नंबर है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी अभी कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहते तो आप होम पेज पे क्लिक कर देंगे, आपके घर पे सिलेंडर अब आ जाएगा। अब आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी, बस जब सिलेंडर आएगा तो आपको ये अमाउंट जो लिख के आ रहा है 847 रुपये, ये आपको कैश ऑन डिलीवरी के समय पे करना होगा। लेकिन ऑनलाइन कैसे पे करते हैं ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ऑनलाइन पे करने के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को, और पे नाउ का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए टोटल अमाउंट आ जाएगा जो आपको पे करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा क्लोज करके। अब आपको कुछ नहीं, बस ये नेक्स्ट बटन है जो येलो कलर का, आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस तरह से विंडो आएगी। अब यहाँ पे आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे आप किस तरह से पे करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या फिर UPI पेमेंट। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं। वैसे यहाँ बेस्ट ऑप्शन UPI रहता है, लेकिन क्योंकि बहुत से यूज़र UPI यूज़ नहीं करते होंगे इसलिए मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू बताऊँगा कि कैसे आपको पे करना है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो डेबिट कार्ड का नंबर है आप जिसको यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू पैसा कटाना चाहते हैं, आप वो नंबर यहाँ डालेंगे, एक्सपायरी मंथ ईयर डालेंगे, CVV नंबर डाल के आप पे कर देंगे। तो यहाँ मैं डिटेल्स को डाल के आपको पे नाउ करके दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ये लोडिंग हो रही है, इस तरह से आपके सामने भी स्क्रीन आएगी। थोड़ा सा आपको यहाँ वेट करना होगा, रिफ्रेश नहीं करेंगे। अब जो भी नंबर आपने यूज़ करा है, जो भी ATM, उसके ऊपर मैसेज आ जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे इंटर करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है OTP LCN, तो OTP LCN करके ही आपके मोबाइल पे एक OTP रिसीव होगी। तो यहाँ पे उसको आपको इंटर करना होगा, 6 डिजिट की OTP है। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद सबमिट का बटन आपको नीचे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव नहीं हुई तो आप यहाँ पे रीजनरेट OTP भी कर सकते हैं। इसका टाइम एक चल रहा है, इस टाइम के बाद ये जो प्रोसेस है पेमेंट का ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपको पेमेंट के लिए दोबारा से ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे OTP डाल दिए, अब ये सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए ये पेमेंट हो रहा है, थोड़ा सा आपको यहाँ वेट करना होगा। पेमेंट हो जाएगा तो देखते हैं कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। जो मैंने आपको ऊपर अभी कार्ड दिखाया था उसके ऊपर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पेमेंट कन्फर्म हो गया, ये पेमेंट हो गया, आपको ऑर्डर नंबर मिल गया और देखिए ऊपर मैसेज भी आ गया है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ गो टू होम स्क्रीन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ रेटिंग के लिए ऑप्शन आ रहा है, अगर आप रेट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं वरना बाद में कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपने ऑर्डर करा है उसको देखने के लिए आप वापस से इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ LPG पे आएंगे। LPG पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बुकिंग हिस्ट्री का ऑप्शन है, आपने अब तक जितनी भी गैस बुक करी है या फिर आप खुद लेके आए हैं वो सारी हिस्ट्री इसमें मिलेगी। जरूरी नहीं है ऐप इंस्टॉल करने के बाद मिले, आपका जो रिकॉर्ड होता है वो ऑलरेडी डेटाबेस में सेव होता है, वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, अभी मैंने आपके सामने एक ऑर्डर करा है, इसके ऊपर कैंसिल ऑर्डर का भी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे कितने ऑर्डर दिखा रहा है, ये सारे ऑर्डर मैंने इस ऐप से नहीं करे हैं, 1-2 ऑर्डर खाली इस ऐप से करे हैं और बाकी मैंने जो है वो कॉल करके ही सिलेंडर को मंगाया था। लेकिन देखिए यहाँ पे सारे ऑर्डर्स मेरे अपडेट हैं। तो यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट वाला है देखिए वो पेंडिंग में है, अगर मैं चाहूँ तो कैंसिल कर दूँ और ये पेमेंट मुझे रिटर्न होके मिल जाता है। लेकिन आप ऐसा करिएगा नहीं, फिर उसके लिए आपको एक बार डिस्ट्रीब्यूटर से बात भी करनी होती है,
जब वो कंफर्म हो जाता है तभी आपको पेमेंट मिलता है, वरना वो एडजस्ट करने के लिए कहते हैं, जब नई बुकिंग करेंगे तो वो उसमें एडजस्ट करने के लिए बोल देते हैं। तो आप ये करिएगा नहीं, अब यहाँ पे आपको बस थोड़ा वेट करना है, जैसे ही आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे कंप्लीटेड इस तरह से लिख के आ जाता है। अब यहाँ से बैक कर लेते हैं और मेन स्क्रीन पे आते हैं और रिवॉर्ड्स पॉइंट्स को देखते हैं। तो देखिए यहाँ इनरोल करना होगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन है, आप यहाँ एग्री करेंगे। तो एग्री करते ही देखिए, थैंक्स फॉर कंफर्मिंग द एक्स्ट्रा रिवॉर्ड डिटेल्स, यू नीड टू री लॉग इन। तो यहाँ पे री लॉग इन करना होगा, तो चलिए री लॉग इन कर लेते हैं। उसके बाद ये स्क्रीन फिर से आ जाएगी लॉग इन करने के लिए, फिर आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल के री लॉग इन करना होगा। देखते हैं कार्ड पे किस तरह की स्क्रीन आ रही है अब। तो देखिए यहाँ पे अभी 0 पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैंने अभी जो बुकिंग करी वो पहले कर ली और यहाँ पे मैंने जो इसके लिए एनरोल करा है वो बाद में करा है। फ्यूचर में जो भी करेंगे उसके पॉइंट्स यहाँ मिलते रहेंगे। तो इस वक्त मैं आपको ये नहीं दिखा पाऊंगा कि कितने पॉइंट्स अन हुए एक बार गैस बुक करने, लेकिन आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आप एनरोल कर लेंगे, उसके बाद आप गैस को बुक करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था कैसे आप इंडियन ऐप का इस्तेमाल करेंगे। इसमें और भी बहुत से फीचर हैं, जैसे आपको कॉल करनी है, कंप्लेंट हिस्ट्री देखनी है तो यहाँ से देख सकते हैं, इनवाइट फ्रेंड करना है तो वो कर सकते हैं, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉलोअर्स, सब्सक्रिप्शन और टिप्स का ऑप्शन है। तो आप जब एक बार ऐप यूज़ करेंगे तो कुछ छोटे छोटे फीचर्स और हैं, ये आप खुद से यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब मैं आपको भारत ऐप और जो HP ऐप है उसका भी दिखा दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस होता है लेकिन मैं इन शॉर्ट आपको स्नैपशॉट दिखाऊंगा। स्नैपशॉट के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे ही, और वहाँ से ही मैं ऐप के अंदर ही आपको स्नैपशॉट दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने इंडियन का तो पूरा प्रोसेस आपको बता दिया, समझा दिया, और यहाँ HP का देख लेते हैं। HP गैस करके आप सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब ये देखिए HP गैस का ये खुल गया, ये स्नैपशॉट्स आते हैं। तो देखिए इसी तरह से यहाँ पे भी यूज़र नेम और पासवर्ड थ्रू लॉगिन होना है। उसके बाद देखिए यहाँ भी आपको रिफिल, हिस्ट्री, लॉग, कंप्लेंट, ये सारे सर्विसेज मिलेंगी। उसके बाद देखिए यहाँ प्रीफर्ड टाइम डिलीवरी का भी ऑप्शन है, जो मैंने अभी आपको इंडियन पे दिखाया, लेकिन उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए सिलेंडर से रिलेटेड सर्विस है, गैस से रिलेटेड सर्विस है, तो उसके लिए भी यहाँ हेल्प मिलती है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आपको सभी ऐप में मिलेंगे, लेकिन सारी ऐप्स को मैं एक एक करके इंस्टॉल करके सेम प्रोसेस को दिखाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप इतना तो समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ भारत का भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, भारत गैस का। तो देखिए मैसेज आ गया है, जो मैंने इंडियन गैस बुकिंग करी थी, कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। अभी मैं फिर से आपको ऐप में लॉग इन करके दिखा दूंगा कि जहाँ पे ऑर्डर कैंसिल का ऑप्शन आ रहा था वहाँ पे अब क्या आ रहा है। भारत गैस पे क्लिक, अब इसकी स्क्रीन्स भी देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर आप चेंज कर सकते हैं, आपकी डिटेल्स यहाँ इस तरह से कार्ड दिया है भारत का भी। उसके बाद यहाँ पे देखिए गैस रिफिलिंग आप इस तरह से करेंगे, अमाउंट और कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। रिफिल की हिस्ट्री देख सकते हैं, जैसे इंडियन में दिखाया ये सारी हिस्ट्री है रिफिल की। और देखिए आप लैंग्वेज बदल सकते हैं, सेफ्टी के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, पेमेंट हिस्ट्री जो आपकी है वो देख सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स आपको सभी ऐप में मिलते हैं, कोई नया कोई फीचर्स नहीं है कि कोई दूसरी ऐप में आपको कुछ नया फीचर मिल जाए। तो यहाँ पे चल के देखते हैं कुछ नया अपडेट हुआ है कि नहीं बुकिंग हिस्ट्री में। तो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा, अब इसके ऊपर क्लिक करके देखते हैं कुछ अपडेट हो अंदर। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डिटेल्स और खुल जाती हैं, अभी यहाँ ओपन है, आपने कैंसिल नहीं करा और ना आपको करना है, वरना प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पेमेंट्स की डिटेल दिखा रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो अमाउंट करा है वो पेड यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि अब जो मैसेज आया था उसके बाद कंफर्म हो जाता है कि आपने पेड कर दिया। और यहाँ पेमेंट हिस्ट्री है, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए और ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ जो आपका पेमेंट था वो सक्सेसफुल हो गया है इसलिए देखिए पेड लिख के आ रहा है दिया है। यहाँ पे मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ, पेमेंट 847 हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव अगेंस्ट योर ऑर्डर नंबर जो भी है उस पे आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस था किस तरह से आप इंडियन ऐप या भारत ऐप या HP ऐप को यूज करेंगे, सबके फीचर सबके प्रोसेस सेम है। तो फ्रेंड्स आपने देखा इंडियन ऐप के मैंने सारे फीचर्स आपको बता दिए, बड़े आराम से आप गैस को सिंगल क्लिक पे बुक कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो करेंगे, वरना फिर आप कैश ऑन डिलीवरी बस सिंगल क्लिक पे बुक हो जाता है, जब घर पे सिलेंडर आए तभी आप उसके पे करिए। रिवॉर्ड्स पॉइंट्स का मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि मैंने पहले बुक करा था इस वजह से रिवॉर्ड्स पॉइंट नहीं मिल सका। आप जब पहले रिवॉर्ड्स पॉइंट में इनरोल कर लेंगे अपने आप को, उसके बाद बुक करिएगा तो पता चल जाएगा आपको कि कितना रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है एक गैस बुकिंग। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल ऐप गाइडेंस वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।